आज फिर गोश्त नहीं लेकर आया, अब कल के हांडी तुझे डाल के पकाऊंगी। कसम भूसी टुकड़े की, तेरी जबान इतनी काली है कि तुझे खुद को ही अंदाजा नहीं है भगवान। अच्छा वैसे तुझे गोश्त खाने की जरूरत क्या है? तू रोजाना मेरा भेजा जो खा जाती है। बस बस, वो चीज उठा के दे मारूंगी तेरे सर पे। खुदाई कसम, जब भी तेरी सूरत देखता हूं ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। अब आज सुबह का ही सुन, मैंने ठेला निकाला है कारोबार पे जाने के लिए, देखता हूँ कि अगला टायर फटा हुआ है। हाँ हाँ, अब क्या देखे, वो टायर भी मैंने फाड़ा था, है ना? तेरे निकम्मेपन की जिम्मेदार मैं हूँ, सब कुछ मेरे पे डाल दे तू। अरे बकवास मत कर, चुप करके बैठ। चुप करती है मेरी जूती। अम्मा बस चुप हो जाओ, आप लोग लड़ना भी बंद कर दे। मैं थोड़ी लड़ा हूँ, ये लड़ी है। तू अपने बाप को समझा। अब आप ही खामोश हो जाए। अरे मैं क्या खामोश हो जाऊं, तंगारा आदमी आता है। पेपर वाले, जूना पुराना सामान लेने वाले, बहुत से टुकड़े आए। बाटली पेपर वाले, जूना पुराना सामान लेने वाले, बहुत से टुकड़े आए। बाटली पेपर वाले, जूना पुराना सामान लेने वाले, बहुत से टुकड़े आए। बाटली पेपर वाले, चूना पुराना सामान ले। अरे टीन डब्बे वाले। जी बाजी। रुकना जरा, आ रही हूँ मैं। अच्छा जी। बाटली पेपर वाले। अरे भाई टुकड़े है टुकड़े। हाँ हाँ सही से तो सही से। हाँ हाँ सही होगा बाजी, वजन गलत कैसे हो सकता है। ये बाजी ये होगा 3.25 किलो। हाँ ये हो गए 2.25 किलो, तो ये टोटल हो गए 5 किलो। ये लो 70 और ये लो और ये 5 रुपए, 75 रुपए, 15 रुपए के हिसाब से 5 किलो के 75 रुपए। अरे 5 किलो कहाँ से आ गए, ये 7 किलो हैं। अरे मैंने अपने वजन चेक करने वाली मशीन पर तोल कर देखा था इन्हें। वजन चेक करने वाली मशीन पर? हाँ हाँ भाजी, ये जो मेरा तराजू है ना, ये 16 आने हैं। 16 आने हैं। अरे 16 आने हो या 17 आने, मुझे तो 7 किलो के पैसे चाहिए, वरना मैं अपने टुकड़े वापस ले लूंगा। अरे अरे भाजी ठीक है, लाओ इधर को, ये लो, ये 100 और ये 5, 15 रुपए के हिसाब से 5 किलो के 7 किलो के 7 किलो के 105 रुपए। ठीक है, खुश हो? हाँ खुश हूँ। ठीक है, बाटली पेपर वाले, बाटली पेपर वाले। गुड़िया सुनो तो। बको। पता है ना मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। अच्छा इतनी फिक्र है मेरी, तो जाओ जाकर बात करो अपने बाप। हाँ तो मैं कर लूंगा ना, अगर तुम्हारी खुशी से मैं तो मैं कर लूंगा। सच बोल रहा हूँ। छोटी बात कर दी तुमने, तुम्हारे लिए तो मैं फांसी का फंदा। फंदा क्या, आगे भी बोलो। वो क्या? पड़ गई कलेजे में, सारी दुनिया में बेइज्जत करा दिया तुम दोनों ने, और ये सब
ये सब तेरी मनुष्य तरबियत का नतीजा है। बस बस वो बंद कर अपना, अब एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है कि तेरे से बुरा कोई नहीं है, पर तुझे एक बात का नहीं पता कि तू वो मनुष्य दरख्त है जिसके नीचे कुत्ता भी सोना पसंद नहीं करेगा। कर जा मुंह बंद कर ले वरना फिर तो बताऊं तुझे। हाथापाई नहीं होगी, हाथापाई नहीं होगी। मेरी बात हो रही थी ना, आपस में लड़ना शुरू हो गए। अरे तेरी तो बात कर रहा था, ये पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई। मैं ये कह रही हूँ कि ये किसी गैर से मिलने नहीं गई थी, अपने मंगेतर से मिलने गई थी। मंगेतर कोई गैर शख्स नहीं होता, मंगेतर से मिलने में कोई बुराई नहीं होता। बड़े मॉडर्न हो रहे मंगेतर। इन्होंने मारा था मुझे और मेरी मोटरसाइकिल की हवा भी निकाली थी। क्यों बे, क्यों मेरे बच्चे की हवा निकाली तूने? मेरी हवा नहीं, मोटरसाइकिल की हवा। अबे एक ही बात है, क्यों भाई तूने क्यों मेरे लाल को पीला किया? अरे गुलजार भाई कैसी बातें कर रहे, भला आपके लाल को मैं पीला कैसे कर सकता हूँ? आइंदा से तूने ऐसी हरकत की ना। जिया मुझे पता है कि आपसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना? आप लेकिन तुझे कैसे पता? अरे गुलजार भाई कुछ बातें दुनिया में ऐसे होती हैं जो पता लगाए बगैर ही पता चल जाती है। जैसे आपसे बुरा इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वाह वाह क्या बात है। अरे वाह यार वाह। वैसे आजकल तू कबाड़ा लेके आ नहीं रहा मेरी दुकान पे? नहीं वो असल में टुकड़े जमा कर रहा हूँ। असल में तादाद ज्यादा होगी ना तो फिर दिहाड़ी भी तगड़ी लगेगी, यकमुश पैसे मिलेंगे ना। हाँ ये बात तो है। चल भाई चल 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 चल। उसके सामने नहीं बोल पाए हैं, वहां जबान बंद हो गई, मुंह से आवाज नहीं निकली उसके सामने। नहीं मैं तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। इज्जत नहीं सारा रोब बस हमारे लिए है। अंदर चल चल तू तो अंदर चल चल। देखो बात सुनो, वो जितना कार का बाड़ है ना नीचे जी बाजी, वो सारी कुर्सियां गद्दे वो सारा कार का बाड़ और ये टीवी है। बाजी वो कार का बाड़ भी क्या हो गया भाई, इससे पहले इतना सामान उठाया नहीं है क्या? नहीं नहीं बाजी, वो कार कबाड़ और ये साथ में टीवी भी। अब्बा मुझे तो लग रहा है शायद नया नया काम शुरू किया तुमने। नहीं बाजी असल में पूछना तो जरूरी होता है ना। अच्छा बातें नहीं मनाओ, अब ये बताओ कि इन सब का क्या दोगे? बाजी ये टीवी और वो जो सामान है आपका, इन सारी चीजों के मैं आपको 600 रुपए दे सकता हूँ। अरे पागल हो गए, आ गए हो क्या है? इस टीवी के तो मुझे कोई भी 1000 रुपए तो आराम से दे देगा। अच्छा बाजी अगर ये आपका टीवी इतना ही कीमती है ना तो आप इसको अपने पास ही रखें, मैं ये 300 रुपए देता हूँ और वो वाले कार कबाड़ उठा लेता हूँ। अच्छा भाई चुप हो, तुम लोगों के दिमाग ज्यादा ही चढ़ गए। सही कर लो बस 800 रुपए दे देना सबके। 800 रुपए आप बस उठाओ। चलो चलो ये लो। हाँ पूरे दिन और ये 800 हो गए। हाँ 800 हो गए। अब उठाओ इसे। जी क्या हो गया तुमसे, एक टीवी नहीं उठ रहा इतनी जान है फिर भी? बाजी ये तो बहुत भारी है। अल्लाह ये जिस दौर का है ना उस दौर में भारी चीजें आती थी। बाजी ये तो मुझसे नहीं उठेगा। बाबा है भेजती हूँ किसी सर्वेंट को। दिमाग खराब, हिलना नहीं यहां से। जी बाजी जी। फरीदा, ओ फरीदा, हाय हाय, ये फरीदा क्या है? क्या है? अरे कभी तो प्यार से जवाब दे दिया कर मनुष्य। शक्ल देखिए अपनी, जो प्यार से बात करूं देखते ही मरने को दिल करता है, क्यों बुला रहा है? अरे एक मनुष्य आदमी आया है सारा दिन दिहाड़ी लगा कर, देखो पानी नहीं तो जहर कोई पूछ ले। बड़ी तोप चला के आया ना ये मनुष्य आदमी। ऐसे बात सुन, ये देख क्या बुनी हुई है आज, क्या माल उठाया मैंने, कल गुलजार की दुकान पर लेके जाऊंगा, बावला हो जाएगा माल देख के। हाय शकुरे, इतना बड़ा टीवी शकुरे। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा टीवी,
शकुर है ये तो घर ही रख लेते हैं। हे अब आप पागल हो गई है क्या, ये पुराना खराब टीवी है, ये कोई चलेगा थोड़े ही। हमारे उस 2 इंच के टीवी से तो अच्छा है, और ये अमीर लोग जरा सी चीज खराब हो गई और फेंक देते हैं, क्या होगा एक आध तार जली होगी। अरे तुझे क्या पता, ये अमीर लोग मुझसे भी ज्यादा कंजूस होते हैं, हाँ। ये किसी को अपनी पाई भी नहीं देते, हाँ। खोल के तो देख। अरे बावली हो गई है क्या, मैं कोई मैकेनिक हूं टीवी का, जो खोलूंगा ठीक कर दूंगा और चल जाएगा वो। चल जा पानी लेकर आ तमीज से, वरना ये बत्ती से निकाल के हाथ में रख दूंगी। हाथा भाई नहीं अच्छा ठीक है। मेरा मतलब है कोई चीज तो ला के दे खोलने के लिए। लाती हूँ। हाँ और पानी भी लेके आई हो। तौबा यार तौबा तौबा। हाय हाय। अरे लिया भाई पानी। फरीदा ये क्या कर रही है, ऐसा ना करना, मैं तो मजाक कर रहा था। दिल तो चाह रहा है कि ये नेक काम मैं कर ही गुजरूं, पर टीवी खोलने के लिए लाई हूं। पकड़ खोल। और पानी? पहले टीवी खोल फिर लाऊंगी। ऐसे बड़ी जिद्दी है भाई, चल, 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 चल। किसी चीज पे अड़ जाए तो वो मनवा के दम लेती है। खोल के देख कोई तार खराब होगी उसको बदलते हैं। खोल रहे टीवी यही रखते हैं। बाटली पेपर वाले, टीन डब्बे वाले, जूना पुराना सामान लेने वाले, भूसी टुकड़े सर। तुमने मेरे कौड़ी क्यों मारी? इसलिए सर कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी सर, और मेरा काम यही है कि आपको कोनी मारकर इस आवाज से रोकना। ये तो मेरी आवाज है। ठीक है सर, आपकी अपनी आवाज है, लेकिन सर अब आप अमीर हो गए हैं, करोड़पति हो गए सर। करोड़पति जी? हाँ। जल्दी चले, ऑफिस से आपको देर हो रही है। ऑफिस? किसके ऑफिस जाना है? रद्दी पेपर उठाना है वहां से? तो क्या कह रहे सर, आप क्यों मजाक कर रहे हैं सर? सर आपका अपना ऑफिस सर। हमारा ऑफिस? जी चले नाश्ता कर ले। नाश्ता? हम करोड़पति हैं, बाखड़ा होटल में नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी गरम गरम। सर क्या कह रहे हैं सर, डाइनिंग टेबल पर चलें।
कहाँ पे चले? डाइनिंग टेबल, खाने की मेज पर चले सर। अच्छा जी। बाटली। अरे सर क्या कर रहे हैं यार, सर आप कमाल कर रहे हैं। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम साहब जी। साहब जी बताइए रद्दी पेपर कहाँ से उठाना है साहब जी? अरे अरे सर, सर आप क्या कर रहे हैं सर? सर ये आपका नौकर है, मुलाजिम है आपका, रोब से बात करें, रोब से नाश्ता मांगे। ये भी मेरा नौकर है जी? अबे ओ सफेद टोपी, तूने बताया क्यों नहीं पहले कि तू मेरा नौकर है? अगर मैं तुझे नहीं पहचान सका तो तू तो मुझे पहचान रहा था है? बोल, तूने अभी चाय पराठा क्यों नहीं पहचाया मुझे? सर आप छोड़े, मैं समझाता हूँ। जाओ साहब के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। आम का लाइयो। जी सर। जल्दी जा। सर आप यहाँ तशरीफ रखिए सर। यहाँ जी बैठ जाओ। हाँ बैठ जा। भाई वाह, अभी तो शीशा है पूरा है। और ये लीजिए सर। अबे सालिम शीशा है, है? अरे वाह भाई वाह, अंग्रेजी का अखबार। ओ भाई पेपर बहुत बढ़िया है इसका, 20 रुपए किलो बिकेगा कम से कम। अबे पागल हो गया क्या? मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है जब मुझे अंग्रेजी का अखबार दिया तूने? अरे तो इसी तरह सीखेंगे ना सर आप। शकूर जी बाजी। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये कौन है? आपकी बेगम साहबा है। मैं फरीदा। फरीदा कैसी लग रही हूँ? हैं खूबसूरत? नहीं नहीं मेरा मतलब है खूबसूरत। भाई वाह बड़ी तैयार हुई है, कहाँ जा रही है? अरे भाई कहीं नहीं जा रही, जरूरी है कि इंसान जाने के लिए तैयार हो, घर में नहीं तैयार होके फिर सकता। ठीक है लेकिन इस पठान के रिक्शे में थोड़ी कमी कर ले। हाँ चकूर, मैंने सोचा है कि अब मैं हर वक्त ऐसे ही बनी ठनी रहूंगी, इसलिए कि तुम्हें कुछ वो यूज टू यू टू थू थू क्या है शकूर? जूस? हाँ अच्छा ऐसा कर, देर हो रही है हमें दफ्तर को। हाँ। तू ऐसा कर जूस को प्लास्टिक की थैली में डाल और उसमें नलकी लगा देना। थैली में? अरे प्लास्टिक की थैली सर, आप बस फौरन से पी लें। फौरन पी लूं? ला भाई ला। किस चीज का जूस है? मैंगो का है। अबे मैंने तुझसे कहा था आम का जूस लाइयो, तू कौन सा जूस लेके आए? कहा था आम का जूस तो फिर मैंगो का जूस क्यों लाए? निकाल दे इसका नौकरी से। सर निकाल दूंगा, आप चले ऑफिस से, देर हो रही है। देख लूंगा तुझे। चले हाँ निकाल दूंगा मैं। चले सलाम में तो सहबा ने गया। उस्ताद ये तोल दिए, कहाँ रखूँ? शर्ट पहन गया पहले। सलाम में तो सहबा ने गया, सहबन के कैसा जम गया, ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। हा लानत है भाई तुझ पे। क्यों पा? गलत गए? गलत के बच्चे, खुश तो तू ऐसे हो रहा है जैसे तू अमीर हो गया हो। हाँ तो क्या हो गया, कल को रुखसत होके जाऊंगा ना वहीं। अबे उल्लू के पट्टे, रुखसत लड़कियां होती हैं। तो हमारी बारी में तो लड़का होगा ना। एक बात सुन, तुझे अब भी लगता है कि वो लड़की तुझसे शादी करेगी? मोहब्बत करती है मुझसे, ऐसी बात थोड़ी है। मोहब्बत करती है, अब वो तुझसे मिलेगी भी नहीं। नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ उससे मिलने। हैं? गुड़िया ने मुझे खुद बुलाया है। आ
अच्छा तू मेरा एक काम कर दे। क्या? किसी तरह से ये पता कर ले कि वो लोग अमीर कैसे हुए। नहीं तो इससे क्या फायदा? अबे फायदा तुझे बाद में पता चलेगा। ऐसा है तो कर लूंगा मालूम, इसमें मारने वाली क्या बात थी, कर लूंगा। अगर तू मेरा ये काम कर दे ना तो मैं कल ही चला जाऊंगा उस मनहूस आदमी के पास तेरा रिश्ता लेके। नहीं नहीं। हाँ सच्ची सच्ची अब्बा ऐसी बात है ना, तू बस आज ही देखो, आज ही मैं कर दूंगा सारा काम, तू फिक्र ही नहीं करो। मैं जा रहा हूं यारों ने, जा रहा हूं मैं। जा जा इधर आ बे। तोल दूं उस्ताद? शर्ट मत उतारना आप, कल तोल इसे। या अल्लाह ये दौलत उसके पास आई हो डाका मार के, और मुझे पता चल जाए कि उसने डाका मारा कहाँ है, फिर देखना क्या हाल करता हूं उसका। हम नहीं तो कोई भी नहीं। हैं? क्या मतलब? फैजा फैजा जी आ रही हूं भाई, क्या हो गया जी? कहिए। ये सब चीजें रखी थी यहां पर कहां गई? वो सामान क्यों, कुछ काम का था उसमें? मैं तो अपनी फाइलें देखने आया था, लेकिन यहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ है। भाई वो फाइल्स मैंने रख दी अलमारी में, और वो सामान नहीं था, काट कपाड़ था, दे दिया मैंने एक हफ्ते पहले टिंडबे वाले को। क्या क्या करती हो यार, क्या हो गया? क्यों कुछ खास था उसमें? खास अब्बा की निशानियाँ थी पुरानी यार, देख देख के मुझे सुकून मिलता था। कौन सी निशानियाँ थी? वो पुरानी गली सड़ी किताबें, या वो दो कौड़ी का टीवी जो जब देखो तुम्हारे अब्बा मरहूम उसमें घुसे रहते थे, और उनसे पूछो अब्बा जी क्या कह रहे? अहू ठीक कर रहा हूँ, बहू ठीक कर रहा हूँ। जो भी था फैजा, अब्बा की थी तो निशानियाँ। और जो चीजें देने की थी वो तो देके वो मरे नहीं, और जो नहीं देने की थी वो देके चल दिए। अच्छा तो खुदा के वास्ते भी ये तो ना बोलो यार। अरे भाई क्यों ना बोलू, दिल जलता है मेरा, करोड़ों की ज्वेलरी पता नहीं कहाँ दे के मर गए, या किसी को दे रखी थी, समझ ही ना आई, पूछती रही अब्बा जी बता दें, मगर उनकी इतनी मिन्नत समा जाएगी जो मुंह से फूटे हुए एक दफा मर के चल दिए, और उनका ये काड़ कबाड़ देख के मेरी आग लगती थी। अच्छा ठीक है भाई, ढूंढ तो रहा हूँ, कम से कम ये तो पता है कि जो कुछ भी है घर के अंदर है, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मिल जाएगा। तो भाई ढूंढो, मुझे क्यों बुलाया? दिमाग खराब तो मेरे कहाँ चिपके चलेगा चीजें अब्बा, एक तो अब्बा बिना कुछ चीज कहाँ रखे, गार्डन में, गार्डन में। बस सर वो पहुंचने वाले हैं, साहब निकलने में पहुंच रहे हैं। माटली पेपर वाले, टिन डब्बे वाले, जूना पुराना सामान लेने वाले, भूसी टुकड़े वाले। अरे क्या कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं? अरे खुदा के वास्ते अपने आप को संभाल ले सर, कंट्रोल करें। क्या संभालूं, पागल हो गया? अबे जब तक मैं दिन में दो चार दफा ये आवाज ना लगा लूं मुझे चैन नहीं आता, मेरी रूह खुश नहीं होती भाई। सर आप वो टीन डब्बे वाले नहीं रहे, अब आप करोड़पति बिजनेसमैन बन गए हैं। करोड़पति क्या बन गया? बिजनेसमैन। ये क्या ये क्या ये क्या? कारोबारी आदमी, कारोबारी आदमी। अच्छा हाँ, तो मेरा कारोबार क्या है भाई? आपका कारोबार स्क्रैप का है। किसका? स्क्रैप का, वही कबाड़ का है। कबाड़ का? हाँ। यानी मैं बड़ा कबाड़िया बन गया? हाँ। शेरशाह वाला कबाड़िया? अरे शेरशाह वाले कबाड़िया से भी बड़े कबाड़िये। हाँ। अब आपकी जो है वो बाहर से शर्टें और टी शर्टें आती हैं और यहाँ मार्केट में सप्लाई। अच्छा हाँ। अरे वाह यार, खुश कर दिया सेक्रेटरी, एक दफा आवाज और निकालो। अरे नहीं साहब, ये सारी डिटेल है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। तू बेफिक्र हो जा, मैंने भला किसी को क्यों बताना है? अब्बा वो अपने वादे के मुताबिक मेरे निकाह की बात डालो ना। जैसा मत डाल दी।
है सच्ची। हाँ वाह जा रहा हूँ मैं। ओए ओए पर मुझे क्यों लगता है कि असल बात ये नहीं है। अब ये खोज मुझे ही लगानी होगी। ये आवाज कैसी थी? वो पंखे की है मेरे। नहीं वो दरअसल मेरे कमरे में तो एसी है ना, तो उसकी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। तुम्हारे कमरे में एसी लग गया है? हाँ हमारे तो सारे घर में एसी ही एसी है। वाह पूरे घर में? हाँ लैट्रिन में भी? लैट्रिन में भी एसी है भाई। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे याद कर रहे थे या नहीं? हाँ मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ। सच्ची? हाँ हाँ मुच्ची। अच्छा सुनो आई लव यू। बता सेम टू यू। क्या हो गया? हम फिर से गरीब हो गए? वो टीवी वाला आदमी फिर से तो नहीं आ गया? अरे पागल हो गई क्या? क्या अब हमें दुनिया की कोई ताकत भी गरीब नहीं कर सकती, समझ गई तू? हाँ तो ये फिर ये क्या है? अरे यही तो असल कपड़े हैं, और वो जो इतने दिनों से मैं वो टैट टैट कपड़े पहन रहा था ना, अरे उन कपड़ों में ना आदमी बैठ सकता है ना, उठ सकता है ना, सही तरीके से खारिज कर सकता है। अरे इसका मजा ही कुछ और है। वैसे फरीदा आफरीन है तेरी मदद, तू ये जो ब्रुकेट के कपड़े पहन के ना सोती है भाई, वाह वाह। बस कर दे शुकुरे, मेरे कपड़ों को बुरा ना कहना, मुझे बहुत आराम मिलता है इन कपड़ों में, मुझे अमीर अमीर महसूस होता है, मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है। लगता मजे आ रहे वैसे। आए, आए। फरीदा क्यों ना हम लोग अंग्रेजी सीख लें, जैसे ये बड़े बड़े लोग गिटपिट 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 बोलते हैं ना, तो हम लोग भी गिटपिट 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 बोला करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इससे क्या होगा? नहीं उससे ये होगा कि आप यानी हम लोग असली करोड़पति लगेंगे। हाँ सब लोग समझेंगे ये वाकई करोड़पति है। वाकई है? कह तो सही रहा है पर किससे सीखेंगे? ला वो अपना है ना सेकेंड रखड़ी, वो सिखाएगा अजीब सा मोटा है। हाँ वो सिखा देगा? क्यों नहीं, लगता तो नहीं। अरे सिखा देगा, वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ठीक है फिर। अच्छा आप सोने दे, खराटे कम लेना। अरे मैं तो एक मिनट में सोया। नहीं नहीं सर, मैं भला ऐसा कैसा कर सकता हूँ? क्या तो क्यों नहीं कर सकता, तुझे अंग्रेजी नहीं आती क्या? नहीं ये बात नहीं है, दरअसल बात यह है साहब। क्या बात है फिर, क्या बात है बोल। मैडम दरअसल बात यह है कि चार दिन पहले जो है वो साहब ने खानसामा को निकाल दिया, ये कहकर कि तुझे तो खाना पकाना आता है, जो भी पका लिया करेगा हम खा लिया करेंगे, और कल है ना
कल साहब ने जो है ड्राइवर को भी निकाल दिया, ये कहकर के तुझे गाड़ी भी चलाना आती है तू चला लिया कर, पैसे बचेंगे पैसे। अब बताएं मैं अकेला आदमी क्या क्या करूंगा, वो भी इतने से पैसों में। मैं तो रो क्यों रहा है, तेरी तनख्वाह बढ़ा देते। अच्छा कितनी? चलो भाई आज से 50 रुपए तेरी तनख्वाह बढ़ गई महीने की। 50 रुपए? सर क्यों मजाक कर रहे हैं सर? अबे तेरा मेरा मजाक है क्या? नहीं। अबे 100 रुपए बहुत मेहनत करके सारा दिन मैं दिहाड़ी बनाता था 100 रुपए, तो आधी दिहाड़ी तेरे नाम 50 रुपए। सर आधी दिहाड़ी वो भी महीने में एक बार? नहीं मैं नहीं कर रहा। आप एक मिनट, तनख्वाह बढ़ानी है ना, मैं बढ़ाती हूँ 5,000 रुपए। अरे पागल हो गई क्या फरीदा? चुप कर कंजूस मक्खी चूस। अच्छा मैं बाजार से आप लोगों के लिए जो है वो अंग्रेजी की किताबें लेकर आता हूँ, तो ना निकाले पैसे दे। अबे जाना ले आ, मेरे हिसाब में लिख लियो पैसे, जब वक्त आएगा दे देंगे। कोई हिसाब हिसाब नहीं, बस नकद पैसे दें आप मुझे सीधी शराफत से। वैसे मैं कह रहा हूँ ले आ जाके, तू दे दे। पता था मुझे तेरी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलनी। इधर आ मेरे से ले ले पैसे, ये ले अच्छी वाली किताबें लाना जिससे हाँ, जल्दी जल्दी अंग्रेजी आ जाए। अंग्रेजी की जल्दी सीखने वाली, जल्दी सीखने वाली। हाँ चल अभी ला, अभी ला। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ठीक से दबाओ कमबख्तो, पैसे दे रही हूँ मैं, मुफ्त में करा रही हूँ, ठीक से दबाओ। हाथों में दम ही नहीं है। फरीदा ये देख क्या कह रही है लड़की, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है लड़की। मैं दीवार में मार के तेरा फोन तोड़ दूंगी, ये नई नई चीजें आ गई है ना हाथ में। नहीं नहीं मैं तो देख रहा हूँ कि ये है क्या। बंद कर इसे। वेलकम सर, वेलकम। खुदा की कसम जन्नत से कम नहीं है जगह, गरीब तो आने का सोच भी नहीं सकता। हाँ तो अब हम कौन से गरीब हैं, अमीर हो गए। अजीब सा लग रहा है वैसे। अजीब सा डर लग रहा है ना तुम्हें? अरे फिक्र मत करो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। हैं तो बस ठीक है, खाना मेरी तरफ से, पैसे तुम्हारी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मीनू, क्या करूं? मीनू सर, क्या ऑर्डर करें? कुछ भी मंगा लो अपनी पसंद से। भाई ये ले आओ। हाँ ये ही ले आओ। सो सर। हाँ बस यही लाओ, यही लाओ। ओके सर। ये बहुत बड़ा होटल नहीं है? तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। सही कह रही हो वैसे, गरीब तो आने का सोच ही नहीं सकता यहाँ। गरीब? गरीब लोग यहाँ कैसे आएंगे? क्या ये ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? वही जो आपने किया था। मैंने क्या किया था? लोबस्टर। लोबस्टर क्या सर? समझे के खेकड़े की बड़ी नस्ल। केकड़े की बड़ी नस्ल? अरे तुमने ही ऑर्डर किया था, खाओ आप। क्या है ये? ये
क्यों भाई, अमीर लोग यही खाते। क्या मतलब है, क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह के खाने खा के ना जन्नत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अपनी आकबत खराब कर रही हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल तो तुम हो गई हो पैसे आते ही, और बहुत जल्द अंधी भी हो जाओगी। क्या बोला तुमने, मैं अंधी हो जाऊंगी? Don't speak please। इसको तो दूर करो, चल पड़ेगा ये तो। मैं तुफैल अहमद अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिखवा रहा हूँ। हैं, आपका नाम भी तुफैल अहमद है क्या? जी नहीं। तो फिर अब्बा की टोन में क्यों पढ़ रहे हैं, अपने अंदाज में पढ़े ना। ये तो मुझे मरहूम तुफैल साहब ने कहा था कि अगर वसीयत पढ़ना तो मेरे अंदाज में पढ़ना, वरना मत पढ़ना। चलें आगे पढ़े। यकीनन तुम लोग मुझसे शदीद नफरत कर रहे होगे, ये सोच कर कि सिवाय इस पुराने बंगले और चंद फालतू चीज़ों के मैंने तुम लोगों को कुछ भी ना दिया है ना। बोलो हाँ ना, बोलो बोलो। हाँ 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 जी। तो अब आगे सुनो, सबसे अहम बात, और वो अहम बात है उस खजाने की जो मैंने तुम लोगों को आज तक नहीं बताई। वही बेटा, तुम फायदा को क्यों देख रहे हो, मुंह बंद करो फौरन अपना। अब या बना बना के बोले ना, खुद से लिखा हो तो नहीं है ना इसमें। अरे मैं क्यों अपनी तरफ से पढ़ने लगा भाई, ये देखें ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। अरे हाँ ये तो लिखा है। अच्छा आगे आगे पढ़े, आगे पढ़े। तसल्ली हो गई देखकर? जी जी हो गई, पढ़े पढ़े। वैसे वही तुम्हारे अब्बा बड़ी पहुंची हुई चीज थे। पहुंची हुई चीज क्यों नहीं हूंगा भाई, आखिर इसका बाप हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। कसम से यही लिखा है। आगे पढ़े। हाँ तो मैं बता रहा था खजाने के बारे में, उस खजाने का पता मैं एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी शर्त? यकीनन मेरे मरने पे तुम लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी होंगी, ये सोच करके मर गया बुड्ढा पर खजाने का पता नहीं बताया, है ना, है ना? जी 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 अब्बा। तू इस सोच पर तुम्हें एक थप्पड़ पड़ना चाहिए, क्यों वकील साहब? हाँ बनता तो है, हाथ बनता है, थप्पड़ मारना चाहिए। पहले दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ तो बना बना के बोल रहे हैं आप। ऐसे कैसे मान लिया जाए, थप्पड़ खाएगा तो बताऊंगा, वरना वसीयत नामा यहीं खत्म कर दूंगा। अरे वही पागल हो गए हो क्या, कौन सा थप्पड़ खाने में तुम्हारा मुंह टूट जाएगा? खजाने का सवाल है, खजाना भी तो अपना हो जाएगा, खा लो एक थप्पड़। अच्छा मार ले, लेकिन दिखाएं पहले कहाँ लिखा है। ये देखो ये लिखा है थप्पड़ का। अरे थप्पड़ तो फिर हो जाए। अच्छा चले हो जाए, तो फिर झुकिए और मुंह मेरे करीब लाइए। सॉरी सर, ये मैंने आपके वालिद माजिद तुफैल साहब ने मारा, मैंने नहीं मारा है। अच्छा अब आगे आगे चलें। मज़ा आया? जी जी बहुत मज़ा आया, आगे चलें। हाँ तो अब तू आगे गौर से सुन, वकील ने तुझे उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा है, कोई बात नहीं, स्टोर तेरे सीधे हाथ की जानिब है, जल्दी से वहां जा। समझे मैं गया, आगे बताएं। दरवाजा खोल। दरवाजा तो खोल दिया ना, आगे चले ना। अब देखो वहां एक पुराना टीवी पड़ा होगा। लो क्या खाक टीवी रखा है, तो बेच दिया टिन डब्बे वाले को उसने, टीवी रखा है। अबे उल्लू के पट्टे, उसी टीवी में तो खजाना था। है? क्या? क्या? खजाना टीवी में? सेक्रेटरी, आज हम सबसे बड़ी वाली गाड़ी में जाएंगे, समझ गया? सर सबसे बड़ी तो बस है, बस कहाँ से लाओ? बकवास मत कर, काली गाड़ी निकलवा ड्राइवर से। ओ अबे तू कैसे आया? अरे शकून मेरा भाई। हाँ ठीक है, दूर से। हाँ बोलो, किस लिए आए, क्या काम है? यार शकून, हम मिठाई लेके आए थे। ए, ये यार खत्म अब, और मेरा नाम है MSKK, मोहम्मद शकूर खान करोड़पति है, और मैं मिठाई नहीं खाता,
वो क्यों? डॉक्टर ने मना किया है, करोड़पति मिठाई नहीं खाते। अच्छा अच्छा, फिर तो हमसे गलती हो गई, आइंदा एहतियात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, किस लिए आया है बोल। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अपनी अमानत लेने आया, सोचता हूँ इस रिश्ते को हम कोई बाकायदा नाम दे देते हैं। क्या ख्याल है? गुलजार कंगले, इस मामले में मेरे ख्यालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूं, समझ गया? सर सर चले आप। चल दे। अब्बा, मेरी गुड़िया, अब्बा। नहीं अम्मा, नहीं अब्बा, ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, नहीं कर सकते वो। अम्मा अम्मा, मैं आशिक के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। अम्मा कुछ करो, कुछ करो। अरे भाई, तेरे अब्बा के आगे मेरी चलती कहाँ है? अम्मा अब इतना बड़ा झूठ मत बोलो। और हाँ सच, तेरे अब्बा ने ये भी कहा है कि अगर आइंदा आशिक का नाम तेरी जबान पर आया तो तुझे दीवार पर डाल देंगे, अनारकली की तरह। अनारकली को तो दीवार में चुनवा दिया गया था ना। वही वही तेरे साथ भी वही करेंगे। नहीं! अरे भाई ठीक से करो, इधर। हाँ। मैं क्या पूछ रही हूं? अरे तू फिकर मत कर फरीदा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी बहुत अमीर खानदान में करूंगा, और वैसे भी ये गुलजार के लौंडे का रिश्ता तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, मैं खिलाफ था। गुलजार ने कोई गड़बड़ कर दी तो? अरे वह कुछ भी नहीं कर सकता, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसको। देख लूंगा उसे मैं। सोच ले। मैंने सोचा भी नहीं था कि दौलत आने से अब्बा नजरें ही बदल लेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था। तुम्हें ना अम्मा से बात करनी चाहिए थी। वैसे एक बात तो बताओ जरा, तुम जो बड़े इतने मशवरे दे रहे हो मुझे, तुमने क्या किया? मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया तुम्हारे गम में। ज्यादा झूठ मत बोलो, तुम और खाना। क्या है? मैंने तुझे एक काम कहा था, वो तूने अभी तक नहीं किया। घूम फिर रहा है इधर उधर। मैं कहता हूं दफान हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। जा जा। क्या खबर है तेरे पास तिलस्माती? जा, तू भी जा इस मिशन इम्पॉसिबल पर, तू भी जा और मुझे जल्द से जल्द इत्तला दे
इसे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे चुप हो जाओ, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं ये, और ये ना जादू के जरिए हमारा खजाना वापस ले आएंगे। ये मुर्गी के सरों से मखरा। कैसी बात है? कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? हैं, मस्तियां कर रहा है। मैं तो क्या, चुप हो जाओ बाबा, गलती हो गई, बच्चे समझ के माफ कर देना। माफ कर दे? एक मिनट पौना सेकंड अगर देर कर दी होती तो जलाकर भस्म कर देता इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, मेरा वहीद के सिवा कोई नहीं है। हाँ, क्या खबर लाए? रोक उसे, रोक, जाने मत दे इसको, रोक। मुझे पता था तो उसका पता लगा लेगा। ये बता कि वो इस वक्त कहां है? हैं? पेरिस में क्वेटा दरबार होटल पर चाय पी रहा है। ये पेरिस में क्वेटा दरबार होटल कहां से आ गया यार? तुम चुप हो जाओ, तुम गए हो क्या? हो सकता हो। चुप कर जा गुड़िया, चुप कर जा, खाना हराम कर दिया, बस कर दे रोना। तुझे तेरे अब्बा ने मना किया था ना उस लड़के से मिलने को, तो क्यों गई थी उससे मिलने? बस मर्जी मेरी, गई थी मैं, जिंदगी है मेरी। रिश्ता ढूंढ लिया तेरे अब्बा ने तेरे लिए, बड़ा अमीर लड़का है, घर में दर्जी बैठे हैं उनके, ऐसा बड़ा कारोबार है, पार्लर भी है, और मुल्क से बाहर भी भेजते हैं कपड़े। मैंने कहा हमारा भी कोई फायदा होना चाहिए। बस अम्मा बस, मेरी मर्जी भी तो कोई पूछे। पता है तेरी मर्जी का? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा तो क्या है तेरी मर्जी? एक बात कान खोल कर सुन लो अम्मा। गुड़िया विल बिहेव। खराब हो गया इसका अमीर होके। बाबा जी किसका फोन आया है? भू 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 भूतनी भूतनी। हेलो बेगम। हाँ हाँ बोलो। हाँ ना कहा ना, क्या ये कब बोला था तुमने? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आते हुए लेता आऊँगा, फिक्र नहीं करो। अल्लाह हाफिज। जी बाबा जी, क्या बोल रही थी भूतनी? हाँ तो मैंने अमलियात करने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई थी? जी जी बाबा, मुझे बिल्कुल याद है, आपने कहा था 12 काले बकरे और 36 मुर्गियाँ। देसी? जी जी देसी। हाँ, और एक भी पर सफ़ेद नहीं होना चाहिए विष में। अगर विष मुर्गियों में एक भी पर सफ़ेद हुआ तो वो मुर्गियां रिजेक्ट रिजेक्ट, उसके बदले दो और मजीद मुर्गियां। नहीं होंगी नहीं होंगी ना बाबा, चुप हो जाओ तुम और लिखो। आप बोले ना, मैं सुन रही हूं, मुझे याद रहेगा। हाँ, भूतनी का भी फोन आया है, वो कह रही है अमल सख्त हो गया है, खजाना मिल नहीं रहा, इसलिए चंद चीजें अभी बहुत जरूरी चाहिए हैं। जाओ तुम लेके आओ। लिखो लिखो। बताए ना मैं। 1 किलो आलू, 3 किलो टमाटर अभी चाहिए, ये तो अभी चाहिए, और मजीद लिखो जी। सफेद जीरा, कुटी हुई मिर्चे, 1 गड्डी पुदीने की, 1 गड्डी हरे धनिए की, 1 टूथपेस्ट, 1 ब्रश। ब्रश? क्या भूतनी ने दांत ब्रश करने? जी चोर बंद कर रहा है, रोक ले इसको, मना कर ले इसको, बता रहा हूं मैं। छोड़े ना बाबा। और लिख 1 काला मंजन। काला मंजन? 1 सेकंड रुक जाए। सुने, ये आप पूरे घर का राशन हमसे क्यों मंगवा रहे हैं भाई? काला मंजन, टूथपेस्ट, धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या क्या मंगवा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, चलो निकलो। नहीं बात आएगा, नहीं बात आएगा, फिर शुरू हो गया तू, नहीं बात आएगा। हाँ नहीं आऊंगा भाई, क्या मतलब, उठाओ सामान, निकलो, चलो इसको निकालो यहाँ से यार, भस्म कर दूंगा।
कसम कर दूंगा, मैं चाटा रख दूंगा, उठ भाग निकल, चल चल, कसम कर दूंगा बाबा से बदतमीजी कर रहा है। हां तो करूंगा बदतमीजी, घर में ये अपना लेके जा सामान दे। अरे छोड़े यार, ये उठा उठा, नहीं करो नहीं करो, कर रहा हूं। अरे बाहर नहीं यार, अभी भी रोक ले इसको, चल चल निकल निकल, अभी भी रोक ले, चल मैं तेरा खजाना, तेरा खजाना गया। अबे बाहर नहीं गया तू, खजाना गया तू, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे भाई तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूंगी। हाँ बोलो, क्या बात है? हेलो गुड़िया, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मेरा फोन क्यों उठा रही थी? देखो तुम जैसे डरपोक इंसान के साथ ना मैं कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, तुमने तो मुझे प्रपोजल भी नहीं भेजा। एनीवेज आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? मेरा मतलब है समझे? ऐसा नहीं बोलो गुड़िया, तुम्हें पता है ना मैं कितना हसास हूँ, मैं अपनी जान दे दूं अगर तुमने बेवफाई की तो। देखो मुझे ये फिल्मी मकालमे सुनाकर ना बेवकूफ मत बनाओ, समझे तुम? और अगर तुमने मुझे आइंदा फोन किया ना तो मैं अपने सारे सर्वेंट्स गार्ड्स और नौकरों से तुम्हें इतना पिटवाऊंगी कि तुम याद रखोगे, समझे? गुड़िया गुड़िया, क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया? तुम क्या हरकतें कर रही हो यार? ये वो बड़े पहुंचे हुए बाबा थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? बड़े पहुंचे हुए थे, खाक पहुंचे हुए थे, पूरे साल का राशन हमारे घर से निकलवा रहे थे हमारे पैसों पे, धनिया ले आओ, टूथपेस्ट ले आओ, टूथब्रश ले आओ, ये हम ये करने बैठे हैं यहाँ पर। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, उस खजाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खजाना तो फिर मुंह बंद रखो और मुझे सोचने दो, एक तो उठा के टीवी पता नहीं किस कबाड़ी वाले को बेच दिया, उसमें पूरा सोने की ईंटें जेवर पता नहीं क्या क्या था उसके अंदर यार। तो मुझे थोड़ी पता था, मगर अब मैं क्या करूं? अच्छा चुप, तुम्हें उसका उसका होलिया याद है कबाड़ी का? मैं उसका होलिया कैसे भूल सकती हूँ वही। बस तो ठीक है, हम उस कबाड़े को ढूंढेंगे जाके। तुम कैसे पहचानोगे उसे? मैं नहीं पहचानूंगा, हम साथ जाएंगे उसे ढूंढने के लिए, यही तरीका है बस अब। हाँ वही, तुम कितने अच्छे हो कितने। हाँ अब साथ निकलते हैं, सवाल ये कि जाए पहले किधर? कबाड़े कबाड़िया मार्केट। कबाड़िया मार्केट, हाँ कबाड़िया। अच्छा ये सफाई करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो मैं पूछ रही थी, ये है बच्चा जी, कितना कमाता है? जी तकरीबन 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार, इतनी तो हमारे मुलाजमों की तनख्वाह है। जा सकते हैं, मैंने कहा चलिए, किस चीज का इंतजार है, निकले बता दें। नहीं मैं सोच रहे तो मौका दें, फाइनल बता दें। नहीं आप सोचने का मौका दें पहले, मैं अपने मियां से मशवरा करूं। आप बता दें। नहीं हमें नहीं पसंद आया अभी आपका लड़का, हम कहीं और रिश्ता करेंगे। और ब्याह जाने करें, किसके बड़े रिश्ते हैं आपके पास, तो हमारे पास भी बड़े रिश्ते हैं, निकलो यहाँ से।
अब आया खच्चर पहाड़ के नीचे। मैं भी बोलूं कि यूं अचानक अमीर कैसे हो गया तू? अब मैं तेरी गर्दन में आए सरिये को निकालूंगा, वैसे ही जैसे तूने मुझे घर से कुत्ते की तरह धक्के मार मार कर निकाला था। अब देखता हूं कैसे तू इस रिश्ते से इनकार करता है, बल्कि अब तो मैंने हिस्सा भी मांगना है। चल बे गुलजार, तेरी अमीरी के और शगूरे तेरी जलालत के दिन शुरू हो गए। बड़ा आया था अमीर बनने। माफ कीजिएगा, आने में जरा देर हो गई मुझे। इट्स ओके। बैठिए 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 प्लीज बैठिए बैठिए। Thank you very much. Thanks. Well, you seem to be an interesting guy. Ji? Mr. Shakur, how are you? How do you do? Hein? Hein? Abhi, kya keh raha hai ye? Wo bole, very well. Hein? Sir, bole. Very well. Very, very well. Very, very well. That's good. That's fine. Sir, wo... Hein? Wo aapki tareef kar rahe hain. आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? तारीफ? You mean appreciation? किस चीज की तारीफ? वही तो आपने बोला। है? क्या? अरे सर, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अबे तूने यही तो बोला था। Excuse me, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, आपसे बोला मैं क्यों कुछ कहूंगा? वैसे आप लोगों को उर्दू नहीं आती? आती है, मगर थोड़ी कम आती है। एक्चुअली वी हैव बीन आउट, सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। घर से बाहर? दैट्स फनी, दैट्स अ गुड जोक। है ये? ये सर बोल रहे हैं, अच्छा मजाक किया आपने। अच्छा हंसना है? वैसे आपके बेटे की क्या मसरूफियात है? आपका बेटा क्या करता है? वैसे अंकल, आई एम इनटू कार्स। रिसेंटली मैंने अमेरिका में कार्स का बिजनेस स्टार्ट किया। है? है? कह रहा है कि गाड़ियों का कारोबार शुरू किया है। हाँ अच्छा अच्छा। अरे अरे सर, अच्छा अच्छा नहीं बोलना था। सर उठ के गले में दे। है ठीक है? नहीं, गले नहीं। बोले OIC. और फौरन बोले कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन 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 है? कौन कॉन्ग ग्रेटू कौन ग्रेजू लेशन शन शन। अरे बैशन नहीं, लेशन लेशन। इंग्लिश है? अरे अरे सर ऐसा नहीं बोलना था। वे तूने तो कहा यही बोलना था। अच्छा बात सुन, मैं ऐसा करता हूँ, फोन इनको दे देता हूँ, तू इनको खुद समझा दे, बुरी बात है, मेहमान आए। अरे अरे सर, सर ये क्या कर रहे हैं आप यार? डैड, मुझे इन लोगों में रिश्ता नहीं करना, ये अब कहाँ ले आया मुझे? अरे अरे बेटा नाराज मत हो, बैठो, मेरी गुड़िया आती होगी। अरे फरीदा, ओ जाहिल औरत, जल्दी से बेटी को लेके आ, रिश्ता देखने आए हैं। कहाँ मर गई? क्या कहा? मुंह बंद कर ले अपना, ऐसा उल्टा हौद दूंगी याद करेगा सारी उम्र। क्या हाथापाई नहीं होगी? हाथापाई नहीं होगी। रिश्ते वाले आए, रिश्ते वाले। अरे इन इन नीच लोगों के साथ मेरी बेटी का रिश्ता करेगा? मेरी बेटी का ये नहीं होने दूंगी मैं। चलो भाई चलो, निकलो निकलो, यहां तुम्हारी दाल निकलने वाली। क्या कर रही है तू? चुप कर जा। चलो मैं कह रही हूँ, सुनते नहीं हो? चलो 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 चलो, निकलो निकलो निकलो, खुद ही कभी कभी खुद भी समझ जाते हैं। निकलो अबे। गार्ड सर्वेंट निकालो इनको बाहर। अबे करोड़पति ऐसे थोड़ी करते हैं। कैसे होगा गुड़िया का रिश्ता? बना बनाया गेम आपने खराब कर दिया। अबे तू चुप कर बे।
माफ करो बाबा। अबे मोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? मैं तो एक जरूरी काम से आया हूँ, कुछ पुराना हिसाब किताब बेबाक करना है शकूर के बच्चे से। अब्बा मैं एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, अगर मेरी माँ की जगह तू किसी को लेकर आना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे क्या पागल वागल हो गया तू है? क्या पकड़ जा रहा है? झूठ मत बोलो अब्बा, पूरे मोहल्ले को सबको ही पता है कि तुम्हारा गुड़िया के माँ के साथ चक्कर था। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं इस नफसियाती औरत के चक्कर में पड़ू? बात सुन, बात यह है कि जो इनके पास मॉल आया है ना, वो एक घर से टीवी आया था, उसके अंदर था खजाना, वो था किसी और का, वो दोनों आए हैं मेरे पास है? हाँ, और अब हम इन्हें बताएंगे। अब देखता हूँ, अब देख कैसे ये शकूर नफ्सियाती मरीजा तेरे और गुड़िया के रिश्ते से इनकार करती है। अरे बेटा अब्बा तुम कितना चुप। अरे मेरा बेटा, तुमने तो सारा काम आजाद कर दिया। अरे मेरा बेटा, तू देख मैं करता क्या हूँ। जाओ अब्बा, तुम अब जाके बात बात करके आजाद। आया वे, तू घुसा कैसे मेरे घर में? मुबारकबाद देने आया हूँ। अबे किस चीज की मुबारकबाद? अपने बेटे आशिक और तेरी बेटी गुड़िया का रिश्ता तय होने की। अबे अबे क्या बावला हो गया है, क्या सटिया गया है? चल निकल यहां से। निकल जाऊंगा, लेकिन सोच ले कहीं तुझे भी इस बंगले से निकलना ना पड़ जाए। अबे क्या घर से टिका के आया है? किसकी मजाल है जो मुझे मेरे ही बंगले से निकाल सके हैं? आज एक औरत और एक आदमी तुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच गए। तो क्या हुआ, औरत और आदमी ढूंढते हुए पहुंचे? अबे पहले पूरी बात तो सुन ले। बकौल उनके कि तूने उनका कोई पुराना टीवी चुराया है, उस टीवी में क्या कुछ था मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास उस वक्त हकीकत में बदल जाएगी जब मैं उन्हें लेकर तेरे पास आऊंगा। और उन्होंने इस बात के लिए मुझे 10,00,000 रुपए देने का वादा किया है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तू वही 3 डब्बे बेचेगा या फिर आधा हिस्सा मुझे और अपनी बेटी गुड़िया का हाथ मेरे बेटे आशिक के हाथ में देगा? देखो यार गुलजार भाई, हम तो बचपन के साथी हैं यार, बचपन के दोस्त हैं और कारोबार भी है कि ये भूसी टुकड़े का है, तो यार ऐसे तो नहीं करे यार, भाई नहीं है यार। शकूरे मैं तुझे सोचने का टाइम देता हूँ, 1 हफ्ते के बाद मैं आऊंगा तारीख लेने या फिर उन्हें लेके। और तेरा टाइम शुरू होता है अब। अरे सर 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 क्या हो गया सर, क्या 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 लग गया? ओए हाय वाह, आहा हा। ओए क्या हुआ सर, क्या हुआ? अबे पेट में दर्द हो रहा है यार। तो सर डॉक्टर को बुलाएं? अबे ये वो वाला दर्द नहीं है। तो फिर कौन सा दर्द है सर? हाय हाय, अरे रोको रोको गाड़ी। क्यों 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 सर, क्या हुआ? अरे दर्द की दवा मिल गई। दर्द की दवा मिल गई? अबे नीचे आ। प्राणालोय वाला बुसी टुकड़े वाला। सर आवाज। अरे आप बात तो सुने सर। अरे सर क्या बात है भाई? ये साहब जी
काम में दिल नहीं लग रहा तेरा? नहीं साहब जी, दिल लग रहा है बिल्कुल। दिल लग रहा है तो ऐसे आवाज लगाते हैं, आवाज ही नहीं निकल रही तेरी। साहब जी कब से तो आवाजें लगा रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं बिकती चीजें। हाँ अबे भाई, जोर से, ताकत से, यहाँ से, पेट से आवाज निकाल। देख मैं तुझे करके दिखाता हूँ, आइंदा ऐसे ही करना, समझ गया? इधर ही खड़ा रहे। बाटली पेपर वाले, भूसी टुकड़े वाले, भूसी टुकड़े वाले, बाटली पेपर वाले, भूसी टुकड़े वाले, जूना पुराना सामान लेने वाले, बाटली पेपर वाले, भूसी टुकड़े वाले। भाई गाड़ी रोको, ये कितने बड़े वाले हैं जिसको मैंने सामान दिया है। ये वही है। अबे चल जल्दी। ये पक्की बात है वही था? अरे हाँ ये वही था। नहीं ये वो नहीं था, वही था नहीं। क्या हुआ शकुरे, डर गए? पानी पानी पानी। मेरी वन ग्लास वाटर। पानी। डर गए? पानी। क्या हुआ? बहुत खौफनाक ख्वाब देखा। ओके गो गो वाटर। क्या देखा हैं? तू सो जा। हाँ हाँ पर देखा क्या? अरे तुझे देखा ख्वाब में, और क्या देखा? लानत तेरी शक्ल पे, मर जा डर डर के, ना बता। कह रहा हूं सो जा। मुझे गुलजार की बात मान लेनी चाहिए, मुझे गुलजार की बात मान लेनी चाहिए। और यूं फैजा खजाने के गम में पागल हो गई। मगर कोई बात नहीं, मजबूरन अब मुझे एक और शादी करनी पड़ेगी। कितना अच्छा होना अगर हर 3-4 साल बाद बीवियां पागल हो जाया करें और बंदे को एक और शादी करनी पड़े। और ये सिलसिला कभी ना रुके। आपका क्या ख्याल है?